हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र दृष्टि का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। घटना चक्र की टेस्ट सीरीज है साथियों। आप लोग को मालूम होगा घटना चक्र की ये टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, उसी के लिए साथियों हम लोग घटना चक्र की ये टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों यह टेस्ट सीरीज आज की हमारी ये सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है और यह घटना चक्र की आज की हमारी यह चौथी जो है टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हम लोग 3 टेस्ट सीरीज घटना चक्र की कर लिए हैं। तो साथियों बहुत बेहतरीन होगा। आपको मालूम है इसमें कुल 150 प्रश्न हैं और 150 के 150 प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी बेस पे बनाए गए हैं जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपके पूरा यूपी पीसीएस का जो सिलेबस होता है, सारे सिलेबस को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सेट किया गया है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन को सेट किया गया है वो करंट मुद्दों को भी देखा गया है कि कौन से करंट मुद्दे थे, उन्हीं से जोड़कर सवाल को रखा गया है। क्योंकि आजकल के जो सवाल हैं वो करंट से जोड़ कर आते हैं, जो मुद्दे करंट में रहते हैं उसी से सवाल बनते हैं साथियों। यही आप एक बहुत बढ़िया ट्रिक होता है पकड़ने का, कहाँ से सवाल आ सकते हैं साथियों। यही चीज़ आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जो बच्चा यह सीख लिया कि हमें छोड़ना क्या है, वो सफलता के बहुत नज़दीक रहता है। कम मेहनत में वो बहुत सारा जो है वो सफलता के नज़दीक चला जाता है। तो साथियों आप ऐसे प्रश्नों को अगर सॉल्व करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि आप बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा फैक्ट सीखेंगे। आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा साथियों, तो आप मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आप दुविधा वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। ये होती है ताकत कॉन्फिडेंस की, और मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों हम लोग अपनी आज की यह चौथी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन साथियों सामान्य अध्ययन की हमारी यह आज की टेस्ट सीरीज है साथियों, बहुत बढ़िया। अगर आप नए हैं मेरे भाई, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कहेंगे। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। बहुत बेहतरीन पहला प्रश्न साथियों आपसे कह रहा है, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं साथियों, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आप इसे जितना स्टार देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ से सवाल न पूछा जाता हो। तो कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा, आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा किया, जिसे लक्ष्य रखा 2030 तक कि 2030 तक हमें प्राप्त करना है इन 17 सतत विकास लक्ष्यों का। ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को याद करने का बहुत ही सटीक तरीका होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला है, पहला क्या कहता है भाई, गरीबी ख़त्म कर दो। अब सोचो गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, भूखमरी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लोग अपना पेट पालने लगेंगे, क्योंकि दूसरा भूखमरी से हो गया। अब सोचो भूखमरी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों को पेट भरेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। अब सोचो लोग स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क में शिक्षा का वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में शिक्षा का वास होता है। तो चौथा शिक्षा से हो गया। इसी तरह से आप पूरा जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ों को, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर जो ये पहला दिया है, आप लोग अब समझ गए होंगे चीज़ों को, यह निर्धनता की समाप्ति यानी गरीबी की समाप्ति की बात करा है। तो यह है एक होगा SDG 1 और जलवायु कार्रवाई होगा, ये SDG 13 है, 13वां जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, उपभोग एवं उत्पादन जो है वो 12वां से संबंधित है। और ये सशस्त्र संघर्षों पर रोक, ऐसा कोई नहीं है 17 विकास लक्ष्यों में ये शामिल नहीं है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो कह रहा है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इस साल 5 विश्व कप करवाया है। तो
2024 के पहले संस्करण पुरुष और महिला निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया। तो साथियों आप जान लीजिए पहले ये 5S विश्व कप क्या है हॉकी के मामले में। जिस तरह से एक क्रिकेट का छोटा प्रारूप बनाया गया T20 जल्दी से ख़त्म हो जाए, इंटरेस्टिंग रहे, समय कम लगे, उसी तरीके साथियों जो हॉकी का गेम होता है तो 5S बनाया गया हॉकी के लिए। तो वो इसलिए बनाया गया कि इसमें हॉकी में वैसे तो 11-11 टीमें होती हैं, लेकिन इसमें 5-5 टीमें की वजह से बनाया गया, 5 इधर रहेंगे 5 उधर, इसलिए इसका नाम 5S रखा गया। तो ये हॉकी का एक छोटा प्रारूप जो बनाया गया 5S जल्दी से होने के लिए। तो इसका पूछ रहा है इसी का पहला संस्करण किस देश में हुआ, तो साथियों ओमान में हुआ। तो ओमान कहाँ है साथियों, आप लोगों को मालूम होगा ओमान जो है, ओमान की राजधानी मस्कट है, तो वहाँ मस्कट में हुआ था। अगर मस्कट न रहे ओमान रहे तो वहाँ पर भी आप लगा देना। तो ये है हमारा उत्तर, ओमान में हुआ था। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग, तीसरा देखते हैं साथियों इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है उसे पकड़ना है। तीन है एक नहीं है, तो आप लोग को देखना होगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है, इसे याद कर लीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दे दिया है असम में, नहीं साथियों नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल आप याद कर सकते हैं ट्रिक से भी, अरुण किसी का नाम है तो नाम अरुण, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बी वाला गलत है और हमारा बी ही उत्तर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा नहीं है तो बी नहीं है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमें क्लियर हो गया बी ही गलत था, तो बी को हमने पकड़ लिया। तो ये सब सही होंगे, हमें आता हो या न आता हो इन सब को याद कर लें, क्योंकि ये सब सही है, एक ही गलत हो सकता है, तो बी केवल गलत था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ें, चौथे में देखते हैं साथियों मैचिंग वाले सवाल। ये सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, मैचिंग वाले और कथन कारण वाले, ये ट्रेंड बनता जा रहा है। RO UPPCS अन्य स्टेट बिहार PCS जो है सब में। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, एक तरफ दिया है टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दिया है उसका लोकेशन अवस्थिति, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है उसको हमें बताकर मिला देना है, और हमें ऑप्शन में उसे जो सेट बन रहा है उसमें हमें लगा देना है। तो साथियों सबसे पहले हम जो क्लियर है उसे लगाएं। रसिका राजस्थान, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है, ये क्लियर हो गया। और दूसरा हमें ये क्लियर है वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में है, तो वाल्मीकि बिहार में है साथियों, ये हमें क्लियर हो गया। और एक जो काली है ये कर्नाटक में है, क से काली, क से कर्नाटक। और बचा हमारा एक बोर कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है, एक ए एक पर रहेगा, बी चार पर जाएगा, यानी और बी चार पर जाएगा, सी दो पर जाएगा, तो और डी तीन पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारा, ये उत्तर होगा हमारा, चौथे का ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग साथियों, पांचवा देखते हैं। देखे साथियों ये सवाल है, बहुत सवाल ये पूछे जाता है आपसे एग्ज़ाम में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन बायोफ्यूल की फसलें हैं, जिन्हें हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। बायोफ्यूल क्या होता है, प्रदूषण कम करने के लिए जो फ्यूल में मिलाया जाता है, यानी फ्यूल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जान लीजिए, करंज होता है, जेट्रोफा होता है, महुआ होता है, ये सब जो है बायोफ्यूल में प्रयोग किए जाते हैं। यानी उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तीन के तीनों सत्य हैं। तो जेट्रोफा बहुत फेमस है, जेट्रोफा के बारे में तो पता ही होगा, बाकी करंज और महुआ भी होता है, तो महुआ का एक जगह और जो है पौआ बनाने भी काम आता है, इस समय ये भी चर्चा में है। कोई जनजाति जो है महुआ से अपना पौआ बनाती थी और उसका पीकर मर गए हैं कुछ लोग, तो इसमें इस समय चर्चा में है महुआ बहुत तेज। आगे देखें हम लोग, देखें इसमें क्या कह रहा है साथियों, यूट्रोफिकेशन की बात कर रहा है। तो कह रहा है यूट्रोफिकेशन संबंधित है, बहुत बढ़िया टर्म है ये आपके पर्यावरण से संबंधित। तो यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, तो साथियों जो यूट्रोफिकेशन है यह जो है जल प्रदूषण से संबंधित है। तो जल में जब अप्राकृतिक रूप से पोषण तत्वों की
भरमार लग जाती है, बहुत से पोषण तत्व तो आकर आपके जलीय स्रोतों में मिल जाते हैं। तो होता क्या है साथियों, वहाँ पर जब पोषण हो बढ़ गया जल में, तो जल में जहाँ पोषण होता है वहीं सारे जो है जलीय पादप उग जाते हैं। जलीय पेड़, जैसे ये जल हुआ, यहाँ पानी भरा है, तो यहाँ खेत से तमाम स्रोतों से इसमें तमाम केमिकल बढ़कर आए, इसमें पोषण बढ़ गया। पोषण बढ़ने की वजह से इसमें तमाम जलीय पौधे उग जाते हैं, घास फूस तमाम चीज़, और ये पानी को कवर कर लेते हैं, पानी में प्रकाश को नहीं पहुंचने देते हैं। यहाँ का पानी ख़राब हो जाता है बीओडीन का, तो पानी बेकार हो जाता है, वहाँ का जलीय जीव मर जाते हैं वहाँ। तो बी हमारा उत्तर होगा यूट्रोफिकेशन से। आगे देखें साथियों, हमारा देखें ये क्या कह रहा है, तमिल कवि क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर की, तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया है, तो किस देश में किया गया है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कहाँ पर किया गया है साथियों, तो ये फ्रांस में किया गया है, ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा यही सत्य है। तो तमिल कवि हैं तिरुवल्लूर और दार्शनिक भी हैं। आगे देखें, हम लोग देखें ये सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, तो किसे चुना गया है साथियों, ये चुना गया है हार्दिक सिंह को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्दिक सिंह। आगे देखें हम लोग, नवे में क्या कह रहा है साथियों, नवे में कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसे हमें पकड़ना है। तो साथियों आपको मालूम होगा कौन सा नहीं होगा, तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, अमरबेल। अमरबेल साथियों आप लोगों को मालूम होगा एक तना परजीवी है जो दूसरों के सहारे जीता है, यानी दूसरों को इसको जीने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, वो परजीवी हो गया, तना परजीवी है, दूसरे के तने का सहारा लेता है। तो बी क्या हो गया, चंदन एक जड़ परजीवी है, ये भी सही है, और सी कह रहा है आर्किड एक अधिपादप है, तो ये भी सही है। तो ये तीन के तीनों साथियों सत्य हैं, अब तीन के तीनों सत्य हैं तो सीधा सीधा डी वाला गलत होगा, और जो गलत होता है उसको हम जानते रहते हैं अच्छे से, हमारी नज़रों में रहता है वो। तो घटपर्णी क्या होते हैं साथियों, एक कीटभक्षी पौधे होते हैं एक तरह से, जिन पौधों में बहुत से ऐसे होते हैं उनमें नाइट्रोजन कमी होती है, उनका पौधा घड़ा की तरह होता है, इसीलिए घटपर्णी नाम पड़ा। उस घड़े के पौधे में तमाम जो है छोटे छोटे जीव आकर बैठते हैं, तो घड़ा बंद हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो उसी से उनको शरीर से, उनको मरे हुए शरीर से नाइट्रोजन मिलता है। तो ये एक तरह के जो है ये जलोद्भिद नहीं है, ये नेपेंथिस होते हैं, क्या नेपेंथिस मूल के प्रजाति के पौधे होते हैं घटपर्णी, जलोद्भिद नहीं होते हैं ये, तो याद रखिएगा। दसवें में जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में कौन सा शामिल है, तो आप लोगों को मालूम होगा जैव उपचार की दो पद्धति है, स्वस्थानीय एक होती है, एक बास्थानीय। स्वस्थानीय क्या होता है, अगर हम लोग किसी का संरक्षण कर रहे हैं तो उसके स्थान पर ही कर रहे हैं, तो वह स्व आएगा इन सीटू, अगर हम लोग उसको स्थान से, उसके मूल स्थान से कहीं दूसरे जगह पर करते हैं संरक्षण उसका, तो उसको हम लोग एक्स सीटू बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वस्थानीय पूछा है, कौन सा स्वस्थानीय है, यानी इन सीटू है, तो इन सीटू में साथियों यहाँ पर जो तमाम होता है चीज़ों में, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ कंपोस्टिंग तो नहीं है, कंपोस्टिंग हम लोग अलग जगहों पर भी कर लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा, और लैंड फार्मिंग भी हम लोग अलग जगह पर ही कर लेते हैं, बायोरिएक्टर भी नहीं, बायो वेंटिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा स्वस्थानीय है, इन सीटू है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चले हम लोग अब अगली देखते हैं, 11 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देखें 11वें में क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गलत सुमेलित है साथियों, उसी को हमें पकड़ना है, जो गलत सुमेलित है उसी को। तो साथियों यहाँ पर देखें आप लोग, पहला आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा मोती झील साथियों कानपुर में है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, अब सोच लिए हमें नहीं मालूम है ये, तो आगे पढ़ें, जो आपको मालूम रहेगा उसी में गड़बड़ी किया रहेगा। तो सूर सरोवर झील साथियों यह जो है यह मथुरा में नहीं है, ये गलत हो गया, अब कहाँ है, मथुरा में नहीं है, कहाँ है, ये आगरा में है,
सूर सरोवर झील, इसे कीठम झील कहा जाता है। क्या? सूर सरोवर झील को कीठम झील, कीठम। तो ये फेमस था, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ी किया जिससे बच्चे पकड़ जाए, अगर पढ़े होंगे तो पकड़ लेंगे। तो बी हमारा गलत है, तो बी ही उत्तर होगा क्योंकि गलत पूछा है। बाकी ये बरुआ सागर झील झांसी में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में। आगे देखें, देखें बारहवें में क्या दिया है साथियों हमारा। बारहवें में क्या कह रहा है कि ISFR 2021, जो 2021 का ISFR इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च वाले जो रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसके संबंध में मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो किस जिलों में मैंग्रोव ज़्यादा है उसको पहले, फिर उससे कम है, उससे कम है, ऐसे ऐसे करके रखना है। मैंग्रोव जानते हैं यह एक खारा जल में उगने वाला पौधा होता है ये। तो बारहवें का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी 24 परगना। तो दक्षिणी 24 परगना जो है ये पहले नंबर पर होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये कहाँ है दक्षिण, ये पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे भी मालूम है पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज़्यादा हैं ये मैंग्रोव। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण 24 परगना सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद कच्छ होगा, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। फिर उसके बाद उत्तरी अंडमान निकोबार में, यानी जहाँ पर जो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जलीय एरिया होता है वहाँ पर ये उगते हैं खारे जल में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। आगे हम लोग देखें, देखें इसमें क्या कह रहा है, जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास के नतीजों वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच था। तो यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपसे पूछ रहा है किस स्थान पर ये अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। तो साथियों जान लीजिए, जनवरी 2024 में अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित हुआ था। केप टाउन कहाँ है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित हुआ था ये, और दक्षिण अफ्रीका के मध्य, भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेला था ये। तो यही जो है इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट मैच था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस टेस्ट मैच को जान लीजिए, इस टेस्ट मैच में मात्र 642 गेंदों का ये हुआ था, 642 गेंदों का ये मैच हुआ था, और इस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीता था, 7 विकेट से, याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 14 में, JCB, तो वही बुलडोजर, JCB साहित्य पुरस्कार, JCB सुनते ही बुलडोजर दिमाग में आ जाता है। तो JCB साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायर बर्ड के लेखक हैं। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा 2023 का जो है एक फेमस JCB साहित्य पुरस्कार होता है, जो किसी भारतीय को दिया जाता है, 25 लाख रुपए भी उसके साथ दिया जाता है। तो इस साल एक पेरुमल मुर्गन, PM पेरुमल मुर्गन जो एक तमिल कवि हैं, तो इन्होंने एक अपनी उपन्यास लिखा है फायर बर्ड, इसी फायर बर्ड के लिए ये पेरुमल मुर्गन को JCB साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त, मतलब प्राप्त हुआ है इनको। तो ये एक मतलब एक कह सकते हैं इनका एक अंग्रेजी का एक मतलब वो था फायर बर्ड, ये तो अंग्रेजी उपन्यास है तमिल का। तो ये आलंदा पैंची, ये भी जान लीजिए आलंदा पैंची, तो ये एक तमिल उपन्यास था, तो इसी को इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपसे कभी पूछे किसका जो है ट्रांसलेट है, तो ये आलंदा पैंची, आलंदा पैंची क्या है, एक तमिल उपन्यास है। तो आगे देखें हम लोग अब 15 में, देखें 15 में क्या हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, विचार करना है। 3 राज्य दिए हैं, किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन हैं? तो साथियों आर्द्र सदापर्णी वन वहीं उगते हैं जहां से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी वर्षा होती है? तो इतना वर्षा तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब एरिया में नहीं होता है। तो सीधा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप काट देंगे, यानी जिसमें 2 और 3 होगा वो तो नहीं होना चाहिए। तो 2, 3 ये नहीं होगा, केवल 1 बच रहा है। तो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, गुजरात साइड में जो तटीय एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। देखें यहाँ पर 16 में, बेबर या दहिया,
नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों, ये स्थानांतरित कृषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्थान पर कृषि की जाती है, पेड़ पौधों की सफाई करके वहाँ की मिट्टी जब अनुर्वर हो जाती है तो छोड़कर किसी अन्य स्थान पर यही प्रक्रिया कर देते हैं। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। और झूम कृषि तो आप लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है इसे। आगे चले हम लोग 17 में, देखते हैं क्या है। तो 17 में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये कथन कारण वाले सवाल हैं, लाजवाब सवाल होते हैं कथन कारण वाले। तो इसमें आपको एक कथन दे दिया है, कराए कथन को पढ़ लीजिए, कारण को पढ़ लीजिए और जो है सही से उत्तर दे दीजिए, सही उत्तर देना है। तो कथन जब पढ़ेंगे तो इसमें कराए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ये बात सच है साथियों, विटामिन, बहुत से विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारे शरीर से नहीं बनते हैं। तो बहुत से ऐसे विटामिन हैं, केवल कुछ ही विटामिन बनते हैं। तो ये पहला तो हमारा सही है, मानव अंग में केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषण तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अनिवार्य मानव अंग केवल अनिवार्य करता है, उसके अलावा और भी पोषण जो है सूक्ष्म पोषण तत्वों का संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ हमारा ये जो 17वें का जो उत्तर होगा साथियों, 17वें का उत्तर हमारा जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ए सही है आर गलत है, तो सी बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग 18 देखते हैं। तो साथियों देखें, 18 इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये सवाल, देखते हैं। मैं पहले कहा ना, सारी चीज़ों को करंट से जोड़ा गया, जो करंट है खुद अपने में करंट है और जो जीएस है उसके अंदर भी करंट छुपा हुआ है। तो आप लोगों को मालूम है जो मुख्य न्यायाधीश जी अपने हैं, डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई, यानी सुप्रीम कोर्ट में दिलाया ये हाई कोर्ट के जजों को। तो ये कह रहा है 3 न्यायाधीशों में कौन सा शामिल नहीं है। तो साथियों, नहीं है कौन, इसको जान लीजिए। एक सतीश जी हैं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये तीनों नाम याद रख लिए जिनको दिलाया गया है, और जस्टिस संदीप मेहरा और अगस्त जॉर्ज मसीह, ये अंग्रेजी टाइप के इनका नाम है। तो यहाँ इन तीनों नामों को याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, यही तीनों हैं। तो SSA नाम रखिएगा, सतीश संदीप अगस्टीन, तो यही हैं, यहाँ ऋतु बाहरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा, ये इनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए बास्थानीय पद्धति है, यानी ex-situ सिस्टम है। तो अभी आया था इन सूटू वाला एक आया था, मैंने बताया था कि उसके स्थान पर अगर संरक्षण किया जाता है वनस्पति या अन्य चीज़ों जीवों को, तो उसे हम लोग इन सीटू कहते हैं, स्वस्थानीय। अगर बाहर उसके मूल स्थान से बाहर किया जाता है, दूर किया जाता है, तो उसे बास्थानीय यानी ex-situ कहा जाता है। तो ex-situ इसमें कौन होगा साथियों, तो कौन होगा इसमें, राष्ट्रीय उद्यान तो होगा नहीं, वो उसी स्थान पर होते हैं। पवित्र उपवन भी नहीं होगा, वो भी उसी स्थान पर। जैव मंडल आगार भी उसी स्थान पर। जीन बैंक हो गया, ब्लड बैंक हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, ये सब उसके मूल स्थान से अलग जगह पर संरक्षित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी ये जो है हो गया हमारा, यही उत्तर होगा। आगे देखें हमारा 20 में क्या कह रहा है। ODOP आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चली थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक ज़िले को एक प्रोडक्ट में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो है सरकार ने ये घोषणा किया था, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद। तो ODOP योजना के आधार पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों, इटावा बहुत फेमस उत्तर प्रदेश का इलाका है, शहर है। तो इटावा जो है वस्त्र उद्योग के लिए ODOP के लिए चुना गया था, और आजमगढ़ के लिए जान लीजिए ये वाद्य यंत्र कतई नहीं है, ये आजमगढ़ के लिए चुना गया था। काली मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, ये सब इसके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए चुना गया था। तो बी गलत है, तो बी ही हमारा उत्तर हो जाएगा, वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि यह काली मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ हैं। तो ये हो जाएगा, बाकी सब सही हैं, गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद, लखीमीपुर खीरी जनजाति शिल्प, ये सब सही हैं, यही गड़बड़ था। तो चले हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है। तो
अर्थ पावर। साथियों ये देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF की एक घोषणा हुई अर्थ पावर की। तो अर्थ पावर की पहल किस संस्था के द्वारा घोषणा किया गया, तो मैंने पहले बता दिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर ये क्या है अर्थ पावर, ये क्या होता है? तो साथियों जान लीजिए, अर्थ पावर एक घंटे के लिए बिजली बंद करना होता है। तो ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में एक जागरूकता बढ़ाने के लिए, बस इसका काम है जागरूकता बढ़ाना। तो WWF ने इसकी घोषणा किया, तो इसमें ये कहा गया कि मार्च के अंतिम शनिवार के, कहाँ, लास्ट सैटरडे, कब, मार्च का जो मार्च का लास्ट सैटरडे होगा उस दिन 8:30 बजे से लेकर 8:30 से लेकर 9:30 तक आप अपनी घर की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, जैसे एक बार मोदी जी ने बंद करवाया था कोरोना काल में। तो सारी जो सिस्टम है उसको कम से कम एक घंटे के लिए बंद कीजिए, जिससे जागरूकता फैले। तो इस साल जो है वो 23 मार्च को मनाया गया था, 23 मार्च। तो याद रखिएगा यही होता है अर्थ पावर, एक घंटे के लिए बिजली बंद करना। तो 21 हो गया, ये 22 हम लोग पढ़ें। तो देखें साथियों, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके, कह रहा है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो साथियों ये ऐसा ट्रिक होता है, जान लीजिए, एप से फ्लोएम होता है, एप से फूड भी होता है, यानी पौधों में जो फूड का ले जाने का काम करता है, नीचे से ऊपर ले जाने यानी संवहन का जो काम करता है पौधों में, तो फूड फ्लोएम यानी ये जो आहार का मतलब ये जान लीजिए फूड है, जो फूड का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है, फ्लोएम। तो एप से फ्लोएम, एप से फ्लूइड, और जो जल का वहन करता है तो जैसे जल, जैसे जाइलम। तो ये थोड़ा थोड़ा ये गट्ठी बांधे रहेंगे ये ट्रिक का, तो ये ट्रिक नहीं कह सकते, एक समझने की गट्ठी होती है। जैसे हम लोग कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं पेड़ पर रस्सी से, तो रस्सी में गट्ठी नहीं होगी तो हम लोग फिसल जाएंगे। तो वही ये गट्ठी काम करता है, जाइलम जल ले जाने का काम करता है, फ्लोएम फूड ले जाने का काम करता है पौधों में। आगे बढ़े हम लोग, यही उत्तर होगा हमारा ए। 23 को पढ़ लें हम लोग, देखें 23 में हमारा एक कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाएं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के, लेकिन ऐसे सवाल इसमें दम जरा सा भी नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है तो आप अपने आप आ जाता है। थोड़ा फैक्चुअल सवाल जो होते हैं उसमें तो आपको आता रहता है तभी लगा पाएंगे, लेकिन ये सवाल ऐसे होते हैं मेरे भाई, इस पर आप सोच कर लगा सकते हो। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, तो यह कैलाश पर्वत मानसरोवर श्रेणी झील के निकट आंगसी ग्लेरियर से निकलती है, इतना तो सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो जो है बांग्लादेश, भारत और चीन से होते, मतलब चीन से होते हुए आती है जो है, उसके बाद भारत में, फिर बांग्लादेश में ऐसे प्रवेश करती है। तो इसका मतलब ये भी सही है, चौथा भी सही है। यहाँ पर एक सीधा सीधा आपकी आँख में धूल झोंक रहा है, इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। तो नहीं भाई, ये कहाँ से हो जाएगा, जो है इंद्रावती और मंजीरा तो गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं, जो दक्षिण की गंगा कही जाती है। तो सीधी बात ये गलत हो गया, आपकी आँख में धूल झोंक रहा है। तो तीसरा जहाँ होगा, जो तीन हो गया यानी सत्य हमसे पूछा है, तो सही उत्तर देना है। सही उत्तर देने का मतलब उसमें तीन नहीं होना चाहिए, तीन गलत है। तो तीन जिसमें हो उसे आप काटना शुरू करिए, इसे काटिए, इसे काटिए, इसे काटिए, तो सीधी बात आपका उत्तर सी हो जाएगा, 1, 2, 4 सही होगा। आपको अगर ये 1, 2, 4 पता नहीं था, फिर भी आपको अगर 3 पता होगा, ये इंद्रावती और मंजीरा गोदावरी की सहायक है, तो भी आप कर ले जाते। तो आगे देखें हम लोग अब 24 में, तो 24 में देखें साथियों इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी एक दिमाग लगाने वाला खेल है, ज़रा सा भी रटने का चीज़ नहीं है साथियों इसको, फिर आपको थोड़ा सा मैप की जानकारी होनी चाहिए। कह रहा है कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए थोड़ा, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन करता है? तो आप लोग अगर यहाँ से ऐसे चलेंगे, सॉरी, अगर आप लोग ऐसे यहाँ से भारत का मैप देखेंगे, तो यहाँ से जाते 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 आप लोग लद्दाख तक देखेंगे है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब हैं।
तो यहाँ एक चीज़ आपको जो दे दिया है, ये इस ग्रुप में देखो हरियाणा दे दिया, तो पहले कार्ड दिया हरियाणा, तो लैंडलॉक है, बीच में है, हरियाणा कहाँ से हो जाएगा, सब हैं लेकिन हरियाणा नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें नागालैंड दे दिया, भाई नागालैंड कहाँ, पाकिस्तान पहुँच गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश दे दिया, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, वो तो जो है उत्तराखंड वगैरह उधर से लगती है, वहाँ तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो सीधी बात यही सही होगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, गुजरात, ऑप्शन बी। कितना लाजवाब सवाल था, जो जानता रहता है पकड़ लेगा तुरंत। 25 में देखते हैं क्या है, 25 में साथियों क्या कह रहा है हमसे, ये सवाल पूछा जा रहा है 25वें में, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट, इटली का जो नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो साथियों कबीर बेदी को, कबीर बेदी पहले हिंदी फिल्मों में काम करते थे, फिर ये हॉलीवुड में चले गए और हॉलीवुड के यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फेमस है, अपने जैसे यहाँ के जो सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम जो पॉपुलर जो हैं सेलिब्रिटी हीरो, तो उसी की तरह हो गए हैं कबीर बेदी। तो ये इटली के नागरिक सम्मान इसको सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 25 हो गया, हम लोग 26 को देख लें। तो 26 में साथियों क्या कह रहा है, देखते हैं, मैचिंग वाले सवाल हैं और मैचिंग वाले सवाल गलत नहीं होते हैं, सबसे बड़ा खुशी यही होती है कि हमारे पास सूचनाएं अगर कम ही होती हैं फिर भी हम कर ले जाते हैं। देखो कैसे, असम हिमालय, तो असम और हिमालय जो है, असम हिमालय जो है किससे मिलेगा, जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको मिलाना हम शुरू करें। असम और हिमालय किससे मिलेगा साथियों, आप लोग को मालूम है ये असम और हिमालय ये काली और तिस्सा नदियों से मिलेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ और देखिए, सतलज और सिंधु ये पंजाब हिमालय से संबंधित है अवस्थिति, एक तरफ हिमालय का नाम है और दूसरी तरफ उसका अवस्थिति दिया है, तो पंजाब कहाँ, सतलज सिंधु, सीधी बात, और कहीं इसका रास्ता नहीं है, और यानी ए हमारा 3 पर रहना चाहिए, तो ए 3 पर रहना चाहिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इन्हीं दोनों में से होगा कोई, और डी हमारा 4 पर रहना चाहिए, तो नहीं, सॉरी, ये जो असम वाला है ये यहाँ पर नहीं रहेगा, तिस्सा और दिहांग पर रहेगा, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ये डी वाला तिस्सा और दिहांग पर रहेगा, ये हो गया। और नेपाल जो है सतलज और काली पर रहेगा, क्योंकि काली नदी नेपाल से ही संबंधित हैं, और कुमायूं जो है वो काली हो जाएगा, कैसे कुमायूं, कैसे काली, तिस्सा, तो ये हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा कौन बन रहा है, डी वाला 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर ये डी बन रहा है हमारा, यही डी उत्तर होगा। 26 का हमारा डी हो गया, बहुत बढ़िया साथियों। चलते हैं हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो 27वें में हम लोग देखते हैं, इसमें साथियों कह रहा है हमसे कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है उसे पकड़ लीजिए आप। तो 3 सही हैं, 1 सही नहीं है, तो उसी को पकड़ना है पहले हमें, तो पकड़िए आप, कैसे पकड़ोगे? तो एक दिया है यहाँ पर साथियों, हमें कुछ पता हो या ना पता हो, जो एस्पिरिन होती है वो क्या काम करती है, दर्द निवारक की काम करती है। तो क्या काम करती है, एस्पिरिन का काम होता है दर्द निवारक, और यहाँ निश्चेतक दे दिया है, तो सीधा आपकी आँख में धूल झोंक रहा है, आप ये बचपन से जानते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है, तो एस्पिरिन दर्द निवारक का काम करता है, यही गलत है, ये हमें चीज़ें पता लग गई ये गलत है, तो सब सही हैं ये वाले। आगे हम लोग पढ़ें, 28 में देखते हैं साथियों ये क्या है, हम लोग खूब पढ़े हैं, लघु अंडमान और निकोबार यह 10 डिग्री चैनल के मध्य अवस्थित है, तो यहाँ डंकन पैसेज दे दिया है, डंकन पैसेज अगर 10 डिग्री जो है चैनल देना चाहिए था, तो लघु अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है ये, तो ये अलग है, तो ये सी वाला हमारा यहाँ पर गलत दे दिया, गलत पूछा है तो गलत यहाँ दे दिया है, बाकी सब जनवे करते हैं आप। 8 डिग्री चैनल जो होती है मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री वाला मिनिकाय और लक्षद्वीप को मध्य स्थित है, कोको चैनल जो है वह कोको द्वीप म्यांमार तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। और एक चीज़ यहाँ जो ये आप लोग देख रहे हैं डंकन पैसेज साथियों, ये डंकन जो पैसेज है यह जो है अब यह लघु अंडमान और एक कोई और द्वीप है उससे अलग करती है, तो कौन सा होता है, लघु अंडमान और रूटलैंड द्वीप, हाँ लघु अंडमान
और रूटलैंड द्वीप के मध्य स्थित है डंकन पैसेज, और 10 डिग्री तो हो जाएगा लघु अंडमान और निकोबार, तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। चलें आगे हम लोग देखते हैं 29 में। देखें 29 में हमारा क्या कह रहा है, कथन दिया है, कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश है? नहीं भाई, अभी जो रिपोर्ट आई थी एक बार इंडियन मिनरल ईयर बुक 2022 वाली, तो उसी में ये बताया गया था कि यह भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश नहीं है, चाइना है, चीन जो है सबसे ज़्यादा स्थान पर यह चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। तो भारत यहाँ पर साथियों यह सेकंड पर है, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा गलत हो गया ये वाला। और भारत जो अपना सीमेंट उत्पादित करता है सबसे ज़्यादा श्रीलंका को भेजता है, श्रीलंका को बेचता है, तो उसके बाद अन्य लोगों को, जैसे श्रीलंका के बाद नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया उसको, तो श्रीलंका, ये बात सही है। तो यानी दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 29 का, तो 29 का केवल 2 हो जाएगा हमारा, केवल 2 सत्य हैं। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 30 में क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, अब सॉरी सही सुमेलित है, नहीं वाला इतना आया कि मुंह से वही निकल रहा है हमारे। तो कौन सा सही सुमेलित है, एक तरफ आपको झील दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो कौन सा झील किस राज्य में है वही बताना है। 3 गलत हैं, 1 सही है। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, सूरज कुंड झील जो है ये कह रहा है बिहार में है। नहीं भाई, सूरज कुंड हरियाणा में है, HR में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, HRI हरी, हरियाणा में है। रूप कुंड दे दिया है साथियों, रूप कुंड उत्तराखंड में है, तो ये भी गलत हो गया, रूप कुंड UK में है, उत्तराखंड। और लोकटक झील, लोकटक झील साथियों मणिपुर में है, ये बात सबको पता है। इसमें मणिपुर जो संघर्ष चल रहा है बहुत ज़्यादा चर्चा में ही है, तो जो चीज़ें चर्चा में रहती है वहाँ का कुछ भी उठा के पूछ सकता है, तो दो समुदायों में जो वहाँ झगड़ा चल रहा है। और पेरियार जो है केरल में है, कर्नाटक में थोड़ी ना है, तो ये केरल में है। तो ऐसे ऐसे करके जो आपको बहकाने काम किया था, आपने पकड़ लिया कि सही कौन है। देखें ये साथियों, देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल का बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है ये। तो अभी आपको एक जो है वो शशि शेखर वेम्पति, इनका नाम है SSV, शशि शेखर वेम्पति ने मोदी अपना जो प्रोग्राम चलाते हैं मोदी जी, मन की बात, तो मन की बात आम जनता के बीच कितना प्रभाव डाल रहा है उसी पर एक बुक लिखी थी शशि शेखर वेम्पति ने। उस बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, यह इस बात पर लिखी गई है कि मोदी जी का मन का कार्यक्रम कितना प्रभावशाली है। तो बता दिया किसने लिखा है पूछ रहा है, तो शशि शेखर वेम्पति SSV ने लिखा था। आगे देखें हम लोग 32 में। तो साथियों 32 में कथन कारण वाले सवाल हैं, बहुत बढ़िया, कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए, सही उत्तर दे दीजिए, बस ऐसे सवाल का ट्रेंड चला रहा है हर एक कमीशन में। कपास से सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल प्राप्त होता है साथियों, यस, हमारा जो सूती वस्त्र हम लोग बनाते हैं वो कपास एक उसका कच्चा माल है एक तरह का, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कारण कह रहा है यह भारत का देशज पौधा है। साथियों कच्चा माल तो है और यह भारत का देशज पौधा भी है, ऐसा हमारे ऋग्वेद या पुराने ग्रंथों में बताया लिखा गया है, ऋग्वेद में भी लिखा गया है और मनुस्मृति वगैरह जो ग्रंथ हैं वो सब है उसमें भी लिखा गया, इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ऋग्वेद में बताया गया है कि भारत में एक कपास जो है भारत का देशज पौधा है। तो देखो ये भी बातें सही हैं, ये भी बातें सही हैं, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग जो माल है उसका एक कारण नहीं बता पा रहा है, यानी दोनों बातें सही हैं। जैसे आपका नाम अमित है, मेरा नाम राजेश है, तो आपका नाम अमित है इसलिए आप सफल हो गए, तो आपका नाम से लेना देना कुछ थोड़ी ना है, लेकिन आप सफल हुए ये भी सही है, अमित है ये भी सही है, लेकिन आप नाम की वजह से नहीं सफल हुए, अपने काम की वजह से हुए, तो यही बात, ये इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन उसका एक कारण नहीं है। 33 में देखते हैं साथियों, पॉलिटी से सवाल आने शुरू हो गए हैं, इसी का कब से इंतज़ार था कि यार लग रहा था पॉलिटी के सवाल नहीं पूछेगा। तो देखें क्या है इसमें, एक तरफ प्रावधान दिया है, क्या प्रावधान है, एक तरफ संविधान का भाग है, यानी किस भाग में कौन सा प्रावधान है वो दिया है और कौन सा गलत है उस गलत को पकड़ना है।
तो साथियों आप लोग को मालूम है राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में दिया है, ये बात तो सच है। संघ राज्य क्षेत्र जो दिया है वो साथियों 8वें में दिया है, ये भी बात सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10वें में दिया है, ये भी बात सही है। ये तीनों बातें सही हैं, तो गलत कहाँ है? गलत यहाँ है निर्वाचन जो दे दिया भाग 11, निर्वाचन में भाग 11 नहीं है, यह 15 में है। किस में है साथियों? 15वें में। और जो ये 11वां दिया है केंद्र राज्य संबंध है, इसमें केंद्र राज्य संबंध की बात किया है, विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध तो ये दिया है यहाँ पर। तो निर्वाचन में हमारा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा निर्वाचन में भाग 15, तो इसको एक्स भी लिखेंगे। आगे देखें हम लोग अब 34 में, देखें 34 में क्या कह रहा है, कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो दो कथन है, आधा कथन कट के उस पेज पर चला गया है। तो पहला पढ़ें, भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित हैं। साथियों सीधा आपकी आंख में धूल झोंक रहा है, सोचो ये पूर्वी तट है बंगाल का, जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तट है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है अरब सागर वाला। तो ये बंगाल की खाड़ी से चक्रवात बहुत आते हैं, खतरनाक आते हैं, ये ज़्यादा प्रभावित है पूर्वी तट। तो ये गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया है आपको, तो ये गलत हो गया। तो चले ये गलत हो गया, तो अगला पढ़ते हैं, देखते हैं अगला कथन में क्या है। तो कह रहा है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, तो ये बात सच है साथियों। तो हमारा जो 34 का उत्तर हो जाएगा साथियों, जो 34 का उत्तर होगा तो ये केवल बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है, केवल ये वाला। आगे हम लोग पढ़ें 35 में, देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। इसमें से हिस्ट्री का सवाल है, तो इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, कथन सत्य है, सही कथन को पकड़ना है और हमें सही उत्तर देना है। तो पहला पढ़ेंगे, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्ति हुआ था। यस भाई, बिल्कुल सही जवाब है, ये बातें बिल्कुल सही हैं, इसकी गलत नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। और कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई। साथियों गलत, मध्य पाषाण काल में नहीं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्राप्त हुई, नवपाषाण काल में। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में, तब हमें क्या हो गया, अब हमें सही पूछा है, दो तो गलत हो गया, तो दो जिसमें है वो सो काट दीजिए, इसमें दो बैठा है, इसमें दो बैठा है और डी में है, तो इसका मतलब आपका उत्तर सी होगा, 1 और 3 सही है। तो भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, ये बातें साथियों सच है, लहुरा देव से ही प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग सोचते होंगे लहुरा देव कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो संत कबीर नगर जिला है वहाँ है लहुरा देव, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर है। आगे चलें तो कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। साथियों 4 नाम दिए गए हैं, करा है 1946 जब अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उसमें कौन सा सरकार में नहीं थे? तो राजगोपालचारी साथियों ये भी थे, इसमें कोई डाउट नहीं, राजगोपालचारी थे, कैबिनेट जब बनी थी तो वहाँ पर 1946 में, तो राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री बने थे, तो ये भी थे। राजेंद्र प्रसाद ये भी कृषि मंत्रालय इनको मिला था उस समय, तो ये भी थे उस समय। और राधा कृष्णन, यहाँ साथियों राधा कृष्णन दिया है, तो राधा कृष्णन कोई भी सदस्य नहीं थे, ये जो है अपने पहले उपराष्ट्रपति थे ये, तो ये जो है ये कोई सदस्य नहीं थे, तो यही हमारा उत्तर होगा। और जगजीवन राम को तो आप जानते हैं, ये जगजीवन राम जो है ये श्रम मंत्रालय इनको मिला था, श्रम मंत्रालय, तो यही सी हमारा गलत था, कौन सा सरकार सदस्य नहीं था, तो राधा कृष्णन नहीं थी, सही है। अब देखें महाजनपद एक तरफ दिया है और एक तरफ राजधानी दिया है, तो कौन सा गलत है, सही नहीं है, उसे पकड़ लीजिए। तो साथियों एक चीज़ आप लोगों ने खूब देखा होगा, ये वत्स नाम का ये जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, साकेत नहीं है साथियों, ये आपको गलत दे दिया, तो यही आपको यहाँ पर देना है कौशाम्बी, साकेत नहीं।
तो ये गलत हो गया, इसे आपको काटना यहाँ कौशाम्बी, कौशाम्बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा ये अपना। और ये कौशल जो ये साकेत दिया था ना, ये कौशल की राजधानी है, किसकी, कौशल की। आगे बढ़े, बाकी सब सही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आपको काम देगा। मगध का राजगिरी, अंग का चंपा और अवंती का उज्जैनी, और वत्स का सही कौशाम्बी होगा और कौशल का साकेत होगा। तो वत्स यहाँ पर गलत था, ये हमने बता दिया। 38, तो देखे साथियों यहाँ पर हमें मिलाना है, कॉलम एक में दिया है अशोक के शिलालेख और दूसरे में दिया है राज, तो किस राज्य में अशोक के कौन सा शिलालेख थे उसी को हमें मिलाना है, तो मिलाकर हमें बताना है साथियों। बहुत बढ़िया, तो देखें हम लोग पहले सोपारा, एक ट्रिक होता है, जैसे महाराष्ट्र में एक नाला सोपारा है ना, तो सब लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, तो नाला सोपारा तो ये महाराष्ट्र, ऐसे ट्रिक याद कर लिए, इससे मिल जाएगा, यानी D4 पे चला जाएगा। और धौली कहाँ है, ओडिशा में है, ओडी गाड़ी जो है दौड़ती है, दौड़ती है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये सब इसी तरह से रटने जाते हैं, अगर आप केवल पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। तो ओडी गाड़ी होती है, वो दौड़ती है, तो ऐसे मिला दीजिए। एर्रागुडी, एर्रागुडी साथियों क्या है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये चला आएगा यहाँ पर। और एक हमारा बचा है कलसी, तो उत्तराखंड में कलसी की पूजा बहुत होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ, जो कलश की पूजा होती है, कलसी की होती है, तो ये एक पर चला आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए कौन सा बनता है, यानी A3 पर आएगा, D4 पर रहेगा, ऐसे ऐसे करके A3 पर, D4 पर, तो यही वाला ए बन रहा है, ऑप्शन ए। 39 में देख लें क्या है, देखें साथियों ये भी बहुत प्रचलित सवाल है, ये कई सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक तरफ आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आप तो जान ही गए हैं मिलाने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा था, एक तरफ चंद्रगुप्त के अभिलेख हैं, स्कंदगुप्त के अभिलेख, और दूसरी तरफ कहाँ कहाँ हैं उसका लोकेशन बताना है। तो साथियों आप लोग को यहाँ मालूम होगा भीतरी स्तंभ लेख जो हैं, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, यह गाजीपुर में है, तो ऑप्शन नंबर ये दो पर आके मिल जाएगा, ये गाजीपुर में। और एक जो है, और कहोम कहाँ है साथियों, देवरिया में है, तो ये देवरिया में हो जाएगा। तो दो हमें इस समय करेक्ट एकदम क्लियर लग रहा है, तो क्लियर जो लगता है उसी को पहले मिलाइए, और देखिए हमारा इससे काम बन जा रहा है। A2 पर आना चाहिए, C4 पर आना चाहिए, A2 पर, C4 पर, तो ऐसा कहीं नहीं है A2 पर और C4 पर होगा, केवल यहाँ है, तो ऑप्शन सी उत्तर होगा, यानी B1 पर चला आएगा, गढ़वा प्रयागराज में, और इंदौर में, इंदौर ताम्रपत्र, ये बुलंदशहर में, तो यही होगा सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, 40, तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो साथियों बहुत बढ़िया ये प्रचलित है, कह रहा है कौन सी एक राज्यों के नाम और उसकी सूची राज्य के क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है। साथियों ये पहली अनुसूची होती है, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ये पहली अनुसूची का काम है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी तो आप लोग जानते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ता इत्यादि से मामला है। तीसरी अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा शपथ, पदाधिकारियों के तमाम जो शपथ होती है उसके बारे में दिया है। और चौथी में है राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन कितना है वो है, यानी राज्यसभा में सीट का लेकर है ये बात, तो ये सब चीज़ें जान गए। और एक में फेमस पूछा जाता है, आठवीं अनुसूची में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको रखा गया है, तो और दसवीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, तो ये सब चीज़ों को याद रखे रहिएगा। आगे चले हम लोग, 10 से दल बदल, 10 से दसवीं, ये सब जो ट्रिक होते हैं कुछ पकड़ने, कुछ अगर आप लोग घुमा के नहीं पकड़ेंगे सोच कर तो फिसल जाएगा। देखें 41 में क्या है, 41 में साथियों कह रहा है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, ये बात सच है, तो ये भी सच है। तो कालिदास चंद्रगुप्त का द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो साथियों ये भी बात सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय को आप लोग जानते हैं ये टाइटल जो है विक्रमादित्य रखा था, और विक्रम संवत की शुरुआत यही किया था,
तो ये भी सही है। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। अब ये तीनों सही हैं। चौथा देखिए साथियों, यहाँ लिखा है हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, तो साथियों ये गलत है। जो हरिसेन लिखा है ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं समुद्रगुप्त के। तो ये चौथा गलत हो गया, जहाँ चार रहे उसे काटिए, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, तो केवल ए उत्तर होगा आपका। सोचो अगर ये तीनों ऊपर के आपको नहीं मालूम रहता, केवल नीचे का क्लियर रहता तो भी आप कर ले जाते। सोचो इस तरह से सवाल देखने में बड़े हैं लेकिन इसमें कोई दम नहीं होता है। आगे देखें 42 में साथियों क्या कह रहा है हमारा। देखें इसमें आपको दिया है कि कौन सा कथन सही है, तो सही है पूछ रहा है सॉरी, तो सही है उसको बताना है। तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था। तो यस साथियों, ये जो इटली का यात्री निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम के काल इसमें आया था, तो ये बात सही है, इन्हीं के कालकाल में आया था निकोलो डी कांटी देवराय, इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के काल में आया था। कृष्णदेव राय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से जाना जाता था, तो ये भी सही है, ये दूसरा वाला भी सही है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1575 में हुआ था। साथियों इतना भयानक नाम है, इसे तालीकोटा युद्ध कहा जाता है, तालीकोटा युद्ध फेमस नाम है, और इसका एक दूसरा नाम दे दिया राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो होता है साथियों 1565 में होती है। तो ये तीन वाला गलत है, तो ये तीन इसमें है, काट दीजिए, केवल ए आपका उत्तर होगा। तो सोचो इन दोनों ऊपर के नहीं मालूम रहता, आपको तीन मालूम रहता, हाँ तालीकोटा का युद्ध यानी राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ, तो भी आप कर ले जाते। ये होती है एलिमिनेशन। आगे देखें हम लोग 43 में, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो संघीय लक्षण यानी फेडरल आपको लक्षण पूछ रहा है। संघीय लक्षण का मतलब दो लक्षण होते हैं, देखिए एक एकात्मक होता है एक संघीय। तो भारत ने संघीय अपनाया है लेकिन केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा मिली, संघीय का मतलब ये होता है केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ बटी हो, और जहाँ एकात्मक शासन होता है जैसे अमेरिका, तो सारी शक्तियाँ लगभग केंद्र के पास होती हैं। तो जब एकात्मक में क्या होता है, लचीला संविधान होता है, जब चाहे तब केंद्र उसे तोड़ दे, और एकल नागरिकता होती है और यही सब होता है वहाँ, तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये तो संघीय लक्षण है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो जहाँ केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा होता है वहाँ संघीय लक्षण होता है, तो ये तो है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी होता है। एकहरी नागरिकता, तो एकहरी नागरिकता साथियों ये संघीय लक्षण का नहीं है, लेकिन भारत संघीय लक्षण है, फिर भी भारत में एकहरी नागरिकता है। तो भारत में थोड़ा सा एकात्मक भी दिखता है लेकिन उसको छुपाया गया है, कहीं लिखना होगा तो आप एकात्मक न लिखिएगा, संघीय लिखिएगा। तो ए एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है, और स्वतंत्र पालिका भी संघीय लक्षण का हिस्सा है। आगे देखें 44 में, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चल रहे हैं साथियों। इसमें देखते हैं क्या है, एक सूची दिया है और आपको मिलाना है कौन सा कब कौन सी घटनाएं कब हुई थी उसके बारे में आपको मिला देना है। तो साथियों शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी सबको मालूम है साथियों, ये बहुत फेमस फैक्ट है, सब जानते हैं 1680 में। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, शिवाजी को आगरा में कैद कर औरंगजेब के द्वारा रखा गया था, तो वह 1666 में रखा गया था। तो कहाँ है 1666, यहाँ है, ये है। अब इसमें दो हुआ, पुरंदर की संधि एक बहुत फेमस है 1665 में हुई थी, तो कहाँ है 1665, यहाँ। बाकी एक बचा है ये बाजीराव प्रथम पेशवा की नियुक्ति 1720। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है, ए तीन पर बी एक सी चार, तो ऑप्शन नंबर बी सेट हो रहा है हमारा, यही बी उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग
45 में देखते हैं। देखें इसमें क्या रहा है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आपार के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इसे बताना है। तो ये होता है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है आपार को। आपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान दिया जाएगा। यस, आईडी मिलेगी जो स्टूडेंट हैं, अब हर एक स्टूडेंट की आईडी होगी, उसके लिए आपार लाया गया है। पढ़ लीजिएगा, बहुत फेमस चीज़ है ये। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यही सत्य है। तो 46 में देखते हैं क्या है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, यानी कल्हड़ ने एक रचना लिखी है राज तरंगड़ी नाम की, तो उसके संबंध में यह कथन दिया है। तो राज तरंगड़ी साथियों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यस, कल्हड़ ने राज तरंगड़ी को संस्कृत भाषा में लिखा है। राजा जयसिंह राज तरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक हैं। तो साथियों इसमें ये दुविधा है, ये सही है कि गलत है। तो जो यहाँ पर ये है, ये राजा जयसिंह राज तरंगड़ी के अंतिम शासक हैं, तो इसमें शायद साथियों मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसमें ये भी हैं शायद, अब अगला पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होगा। तो इसमें 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक हैं, ये बात तो सही है। राज तरंगड़ी में 8 तरंग हैं और 8000 जो है श्लोक हैं, तो ये भी बात सही है। तीसरा भी सही है, यानी 1 और 3। तो यहाँ पर राजा जयसिंह राज तरंगड़ी में वर्णित, यस ये भी साथियों सही है, तीनों के तीनों सही है, हमारा डी उत्तर होगा। कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं कहीं साथियों, क्या किया जाए। आगे देखें तो 47 हमें बताना है। अच्छा ये है, यहाँ तो ये है। तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, कथन कारण वाला है, और कथन कारण में पढ़कर हमें उत्तर देना है। तो कह रहा है कि कथन में भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है। सही बात साथियों, इनडायरेक्ट ही होता है, यानी जनता नहीं जिसको चुनती है, जिस सिर्फ जनता जिसको चुनती है वो प्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रपति को। इसका मतलब विधानसभा के और संसद के, यानी संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो ये हो गया, तो निर्वाचक मंडल व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदन और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के, ये तो यही बात मैंने अभी बताया था। विधानसभा चाहे वो केंद्र शासित की हो या राज्य की हो, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी निर्वाचित विधायक और निर्वाचित लोकसभा के सांसद, निर्वाचित राज्यसभा के सांसद, यही तीनों मिलकर करते हैं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ए सही, सी सही है। 48 में देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों ये घटनाएं दिया है, इनको हमें कालक्रम में सजाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, बहुत फेमस चीज़ें हैं, तो सब के सब लगभग एक ही टाइम पीरियड में सब हैं। तो आपको ये जानना होगा, ये कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1540 में, ये चीज़ें आप जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो वो 1556 में हुआ था, 1576 में हुआ। खानवा का युद्ध आप लोगों को मालूम है, बाबर ने लड़ा था, तो खानवा का युद्ध कब था साथियों, 27 में, 1527। सब 1500 के ही टाइम पीरियड में है। शकरखेड़ा का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध जानते हैं, ये भी 1700, ये अलग है, ये 1724 में है, तो 1724 में। तो सबसे पहले कौन हुआ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटी होगी। तो सबसे पहले ये घटी होगी खानवा का युद्ध, ये 27 वाला, उसके बाद ये कन्नौज का युद्ध, ये वाला। तो 2, 2, 4 और सबसे अंत में 1 रहना चाहिए, 2, 4 और सबसे अंत में 1, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 2, 4 और सबसे अंत में 1, तो केवल एक ही जगह है, 2, 4 और सबसे अंत में 1, ये हो गया। 49 देखें, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 6वीं NSA स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। NSA लेवल की बैठक के बारे में बात किया जा रहा है साथियों, यह कहाँ पर हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तो जो 49वां का हमारा उत्तर होगा साथियों,
जो मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हमारा जो उत्तर होगा ये हो जाएगा सी में। 50 में विजयनगर के किस शासक ने गजबेटेकर की उपाधि धारण की थी? गजबेटेकर की उपाधि विजयनगर के किस शासक कौन से शासक ने रखी थी? तो साथियों देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए। देखें 51 में कह रहा है साथियों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो साथियों अनुच्छेद 20(3) में है, यहाँ अगर आपको मालूम होगा तो अनुच्छेद 20 में तीन पार्ट है। पहला जो है क्लॉज, इसमें ये कहा गया है कि किसी अपराध को अगर किसी कृत्य को अपराध घोषित किया जा चुका है उसके बाद अगर कोई करता है तभी अपराध माना जाएगा, नहीं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वो घोषित नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा। और दूसरे में कह रहा है एक सज़ा के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, और तीसरे में कह रहा है कि अपराधियों का भी संरक्षण किया जाए, उसे विधि सम्मत से कार्रवाई हो, ये नहीं किसी सड़क पर मार दो। तो ये जो है हमारा, तो ये जो है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कहता है, तीसरा ये गवाही से संबंधित है, अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता। तो ये है यहाँ पर 51-52 में हम लोग देखें, हाल ही में किस संस्थान ने भारत में टैंटलम धातु की खोज की है? तो साथियों एक बहुत यहाँ जो फेमस था उस समय, ये 50वां का हमारा जो प्रश्न है, तो एक आईआईटी भारतीय जो आईआईटी रोपड़, कहाँ है आईआईटी रोपड़, तो ये आईआईटी रोपड़ के जो ये संस्थान है इन्होंने एक टैंटलम धातु की खोज की है। अब बात है कहाँ से खोज की है? टैंटलम आपको मालूम है, ये टैंटलम 73 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 73, ये बहुत ही लचीली धातु होता है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और यह सतलज पंजाब की जो सतलज नदी है वहाँ की जो रेत है उस रेत में से खोज किया गया है टैंटलम को। तो ऑप्शन नंबर सी आईआईटी रोपड़ ने खोज किया था। 53 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 3 स्तरीय समिति का गठन किया है, तो आप लोगों को मालूम है मणिपुर में 2 समुदाय को लेकर आज दो लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, तो उसके संबंध में क्यों 2 समुदाय का हिंसा चल रही है? तो वहाँ पर पिछले साल आप एक वीडियो देखेंगे बहुत वायरल हुआ था, एक सैनिक की महिला को एक दूसरे समुदाय के लोग जो है उसको निर्वस्त्र करके उसे घुमा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हुई। तो इसके संबंध में 3 जो है रिटायर्ड जज जो है को एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता जो है यह गीता मित्तल ने किया था। तो मतलब 2 हैं वहाँ पर, एक जो है मतलब 2 और सदस्य थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसके साथ जो है गीता मित्तल उसकी अध्यक्ष थी, शालिनी जोशी और आशा मेनन। तो यहाँ पर आशा मेनन और शालिनी जोशी ये दोनों सदस्य हैं, ये तीनों हैं, गीता भी हैं, ये 3 सदस्य थे, ये नहीं है रोहिणी। तो इन तीनों में गीता मित्तल को अध्यक्ष बनाया गया है, इसकी जो है मतलब समिति किया गया मणिपुर हिंसा के संबंध में। 54 देखते हैं क्या है, भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, तो XPO सैट जिसे कहा जाता है, किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो यह किस स्थान से लॉन्च किया है साथियों, 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखें हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में बताया गया है किसी विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो साथियों आपसे बताया गया 550। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे तो कर ले जाएंगे, तो 60 मतलब 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो 560 कहाँ पर ऐसा है, यहाँ डी में है ये वाला, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे अपवाद स्वरूप में गोवा और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्यों में वहाँ आपको 60 से कम 40 मिल जाएगा, तो ऐसा कहा गया है 170 में। तो देखें यहाँ पर किस समुदाय किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि को देखने में प्रयोग किया जाता है,
तो आप लोग जानते हैं अवरक्त इंफ्रारेड IR, आप लोग देखेंगे जो रात में जो कैमरे छिपे कैमरे लगाए जाते हैं, किसी को मालूम न चले, वो मतलब अंधेरा में भी आपका फ़ोटो रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो, तो उसमें एक लाल लाल लाइट जलती रहती है तो वो इंफ्रारेड होता है। आप कहीं अंधेरे में कैमरा लगा हो तो आप लोग देखिएगा। तो आजकल चोरी करने के लिए लोग चोर सोचते हैं कि अंधेरा है यहाँ कोई देख नहीं रहा, तो अंधेरे में भी कैमरे आ गए हैं इंफ्रारेड वाले। 56 का A हो जाएगा हमारा। तो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है अवरक्त तरंगे। 57 में देखें, 57 में हमारा क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि सही कथनों को पढ़िए और उसका सही उत्तर दीजिए। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, यस कोई डाउट नहीं। राष्ट्रीय ध्वज 20 में 21 तीलियां, साथियों कहाँ अनर्थ कर रहा है, 24 तीलियां हैं, 21 कहाँ हैं, तो जिसमें दो होगा गलत, उसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, तो केवल एक हमारा सही है। तो क्यों सही है, चौथा तीसरा क्यों गलत हो गया, कह रहा है चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो साथियों अनर्थ है ये, गलत कह रहा है। ये जो चौड़ाई और लंबाई, तो पहले लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाता है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ जो है साथियों इसकी आप लोग देख लीजिए, 3 होता है 3, ये लेंथ जो होती है वो 3 होता है 3 हिस्सा, और बी जो होता है वो 2 हिस्सा, यानी अगर लंबाई 3 मीटर बनाएंगे तो चौड़ाई 2 मीटर बनाना पड़ेगा अपने भारतीय झंडे की। तो ये भी गलत हो गया, तो केवल हमारा कौन सा सही है, एक सही है। 58 में निम्नलिखित में से किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तरंगों की जो है तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, जिसे तरंग लंबाई कहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ जानते हैं साथियों, जो जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। जैसे आप लोग मालूम होगा रात में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है ट्रेनों वगैरह में जो है खतरे के निशान में, तो रेड इसलिए प्रयोग किया जाता है कि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर से भी दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है जिसमें, और वायलेट जो होती है जो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है, तो आप लोग यहाँ कहाँ बताएँगे, तो रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगों यहाँ पर हैं कि नहीं है, रेडियो तरंगे इसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है रेडियो की। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ हो जाएगा, रेडियो होती है, माइक्रोवेव, अवरक्त ये सब होती हैं, और गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगी। 59 में देखें, सूची 1 सूची 2 इन्हीं दोनों को मिलाकर हमें उत्तर देना है, मिला देना है। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिया है और दूसरा उसके प्रतिपादक कौन है ये दिया है। तो साथियों यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमें मिलाना है, तो निहारिका जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर है, निहारिका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था, ये हो गया। तो ये हो गया, और ये वायव्य राशि, तो ये वायव्य राशि ये किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था। अब एक ज्वारी परिकल्पना है, ज्वारी परिकल्पना किसने दिया था, ज्वारी से जेम्स जींस, तो जे से ज्वारी, जे से जेम्स जींस ये दिए थे। अब बाकी एक बचा है तो हमें नहीं आता है, फिर भी हम मिला लिए क्योंकि वो उसी पर जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा कौन होगा, A 2 पर आएगा, B 4 पर आएगा, D 3 पर आएगा। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना था, तो सूचियों में से ये मिलाना था, तो मिलाने वाला ये कहाँ गया इसका, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें कौन सा हमारा बन रहा है, तो थोड़ा सा भूल गया मैं कौन सा था, तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो ये ए वाला तो इस इमैनुअल कांट पर था और बी वाला निहारिका लाप्लास पर था, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर सी वाला बन रहा है, तो ये सी वाला बन जाएगा, देख लीजिएगा मैंने मिला दिया था। आगे देख ले हम लोग 60 में, देखें हाल ही में उत्तर प्रदेश
का पहला मिशन शक्ति कैफे किस ज़िले में खोला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे किस ज़िले में खोला गया है साथियों? तो गोंडा में खोला गया है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है? गोंडा, डी में है। 61 में 19-21 अवधि में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अनुपात संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश का सभी राज्यों क्षेत्रों में कौन सा स्थान है? तो साथियों, अभी जो डाटा आया था नीति आयोग के द्वारा, कहा गया था कि बहुआयामी गरीबी से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोग निकले हैं। तो उसमें ये गरीबी नहीं, बहुआयामी गरीबी यानी बहुत से जो सुविधाओं से जो वंचित थे उनको ये हुआ है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश पहला है और बिहार दूसरा है। तो ये रिपोर्ट आई थी जो है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार दूसरा, झारखंड तीसरा, मेघालय चौथा। 62 में देखते हैं, तो इसमें साथियों कह रहा है लॉजिस्टिक इज ऑफ अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स, यानी जिसे लीड्स नाम दिया है, लीड्स 2024 सपोर्ट में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही उत्तर को पहचानिए। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों, लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस जिसे लीड किया गया है, तो यह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लागू ये जारी किया जाता है। तो यहाँ नीति आयोग नहीं होगा, उद्योग और वाणिज्य, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो एक जहाँ है वो नहीं होगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। तो दूसरा, उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो साथियों जो है, ये 5वां संस्करण था ये लीड का हमारा। तो अचीवर्स राज्य कौन कौन है? जो अचीवर्स राज्य है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये हैं। तो उत्तर प्रदेश को अचीवर्स में नहीं रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं सही है ऊपर का। 63 में, तो देखें 63 में क्या कह रहा है, कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है? तो जो भूगर्भिक इतिहास है उसके क्रम से, तो यानी पहले कौन था, फिर पहले कौन सा कल्प आया, फिर पहले कौन सा कल्प आया, इसके बारे में बात कर रहा है हमारा। तो साथियों जानते हैं, तो सबसे पहले जो है इयान आया, इयान महाकल्प, और फिर उसके बाद इयान कहाँ है, पहले में किसी में है, तो यहाँ है इयान और यहाँ है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनको काटिए आप। तो इयान के बाद थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएंगे, तो इयान के बाद कौन सा युग आता होगा? तो सर्वप्रथम पृथ्वी भूगर्भिक बड़े भागों में विभाजित किया गया, इयान कहते हैं, और प्रत्येक इयान को जो है महाकल्प में विभाजित किया जाता है। तो इयान को महाकल्प में विभाजित किया जाता है, और उसके बाद कल्प युग। तो ये डी हमारा, ये उत्तर होगा, यही डी हो जाएगा। 4वें में, किन बहुलकों का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है? आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कांच, ये सब आते हैं। तो किन बहुलक, किन पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? तो साथियों, केवलार और लेक्सान बहुलक का प्रयोग, केवलार और लेक्सान बहुलक का प्रयोग जो होता है बुलेट प्रूफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको बनाने में काम आता है। तो 1 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये जो दिया है ये नहीं होगा, ये वाला। तो 1 और 3 कहाँ है, ये है 1 और 3। 65 में साथियों क्या कह रहा है, देखिए इस 65 में हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ब्राज़ील में गन्ने का बृहत्तम उत्पादक है, तो ब्राज़ील गन्ने का बहुत बृहत्तम उत्पादक देश है, ये बात सच है, हमें मालूम है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, तो भारत विश्व का ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, तो शायद ये क्लियर नहीं हो रहा है हमें। तो हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं, केन्या विश्व में चाय की एकमात्र दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक है। तो साथियों आप लोग को बता दें, जो केन्या है यहाँ पर, तो विश्व में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, इसको देख लेते हैं, हो सकता है एलिमिनेशन हमारा काम चल जाए, पहला तो हो गया। और जो तंबाकू का जो है सबसे ज़्यादा चाइना और भारत, तो चाइना है सबसे पहले नंबर पर, ये अमेरिका नहीं है। तो 4 नहीं होना चाहिए, हमें सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर में 4 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो
एक होना चाहिए उत्तर में, क्योंकि एक सही है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और केन्या कह रहा है भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं तो नाइजीरिया, सूडान और भारत, यानी भारत का तीसरा है, पहला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो दो गलत हो गया, ये तीन केवल सही होगा, ये वाला हमारा सही है। 66 में हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है, तो किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है साथियों, तो ये प्रदान किया गया है जो है भारतीय मूल की एक लेखिका है नंदिनी दास को, तो उनको, ऑप्शन सी। सूची एक और 6-7 को मिलाइए आप, तो एक तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बड़ा करें, 67 का सवाल हमारा, तो एक तरफ हम देखें हमें दिया है यहाँ ब्लॉक पर्वत, दूसरी तरफ पर्वत दिया है, तो वलित पर्वत है तो उसको हमें मिलाना है। तो देखें हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ देखें, ब्लॉक पर्वत जो है जो वाजेस यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच है, यानी वाजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच है, तो कहाँ है वाजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच, तो ये हो जाएगा हमारा। और एक अवशिष्ट पर्वत है साथियों, यहाँ अवशिष्ट पर्वत सतपुड़ा और अरावली हो जाएगा हमारा, तो अवशिष्ट पर्वत सतपुड़ा और अरावली, तो ये हो जाएगा, ये हमारा यहाँ चलाएगा। एक और है यहाँ पर वलित पर्वत, ये जो वलित पर्वत है साथियों आप लोग को मालूम है इंडीज, दक्षिण अमेरिका का जो इंडीज है वो वहाँ पर है, तो ये यहाँ पर चलाएगा, तो D3 पर, C1 पर, D3 पर, C1 पर और 1-2 पर, 1-2 और C1 D4, तो हमारा उत्तर जो है ये सी वाला हमारा, कंफ्यूज हो गया मैं, सी वाला एक पर आना चाहिए, तो C1 पर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, और D4 पर आना चाहिए, तो D4 जो है पहले काट देंगे साथियों, कंफ्यूज नहीं होगा, तो D4 होना चाहिए, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, और उसके पास A2 पर आना चाहिए, A2 पर यहीं पर भी है और C1 पर होना चाहिए, तो C1 पर यहाँ है, ये होगा। जब तक काटेंगे नहीं साथियों तब तक कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो ये 67 हो गया। 68 देखते हैं हम लोग, तो 68 में क्या कह रहा है हमसे, कौन सा कथन सही है, तो टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, क्या ये बातें सही हैं गलत है। तो साथियों वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन जो 17-21 के अनुसार जो कह रहा है, तो टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में ही हुआ था, और जबकि बॉक्साइट का और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, सही बात है, टाइटेनियम का, बॉक्साइट का ये कजाकिस्तान नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ये गलत हो गया। आयोडीन का चिली में, ये भी सही है, तो 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी। 69 में देखें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है कौन सा नहीं है, तो हेक्टन मुनरो, ये किस युद्ध से संबंधित है, बक्सर उसे युद्ध, बक्सर का जो युद्ध हुआ था क्या उससे संबंधित है ये, तो साथियों यस, ये उसी से संबंधित है, तो ये जो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, पहला वाला तो रहना चाहिए हमारा, ये जो पहला वाला तो रहना चाहिए, और दूसरा में हम लोग देखें लॉर्ड हेस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग में क्या है, तो कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हैं, ये भी सच है, लेकिन हमसे गलत पूछा, ये भी सही है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है, लॉर्ड कार्नवालिस जो है साथियों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, तो यही हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर तब कौन है, जब ये नहीं है तो कौन है, तो साथियों यहाँ पर जो हमारा होगा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, कार्नवालिस से नहीं, हेस्टिंग से, तो यही सही है। 70 में तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, 70 में भी मिलाने वाला सवाल है, तो देखते हैं हम लोग, एक तरफ हमें बंदरगाह दिया है, बंदरगाह दूसरी तरफ उसका लोकेशन, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, इसको मिलाना है,
तो ग्वादर बंदरगाह हमें साथियों पता है, तो ये बहुत फेमस बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। तो ये ग्वादर बंदरगाह साथियों ये पाकिस्तान में है, ये चला आएगा चौथे पर। चलिए ये चौथे पर चला आया। और एक और जो इकारगा है रूस है, अभी मोदी जी रूस पर गए हैं यात्रा पर। इकारगा कहाँ है? यह रूस में है। और एक और हमारा यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो अफ्रीका का एक है नेलोथ है, ये अफ्रीका में है। बाकी हमारा ये चला आएगा मिस्र में। तो हमारा कौन है? एक चार पर आना चाहिए, ये चार पर रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब क्लियर हो गया। और बी हमारा तीन पर रहना चाहिए, तो बी तीन कहीं पर नहीं है, केवल डी में है, तो डी उत्तर होगा हमारा डी। तो साथियों हम लोग 70 तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न हो जाए। अभी आधा प्रश्न बचा है, आधा इसका टेस्ट सीरीज। तो हमें सिर्फ उत्तर बताने से कोई मतलब नहीं, जब तक हम चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे। तो 70 क्वेश्चन को देख लिए, बाकी 80 क्वेश्चन बचा है, उसको जल्दी से हम लोग ये इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, और पार्ट टू में हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे जो है। तो फिर से 80 क्वेश्चन बचा है, कोई मामूली प्रश्न नहीं है कि मैं ऐसे भागा भागा कर उत्तर बता दूँ, तो कोई मतलब नहीं। तो हम लोग देखते हैं, मिलते हैं वीडियो पार्ट टू में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।